और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराब की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। भोपाल के बेल इलाके में आजाद नगर में उमा भारती ने शराब की दुकान में घुसकर पत्थर फेंका। दरअसल शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने शराब की दुकानों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का पहले ही ऐलान कर दिया था और इसी कड़ी में उमा भारती शराब की दुकान के अंदर पहुंची और उन्होंने पत्थर फेंक कर शराब की बोतलें तोड़ दी। उमा भारती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। यूक्रेन ने रूसी टैंकों और कुछ हथियारों को तबाह करने का दावा किया। उसने सबूत के तौर पर इसका वीडियो भी जारी किया जिसमें शहर के बीच खड़े एक टैंक में जोरदार धमाका होता दिखा। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक आग की लपटों के बीच घिर गया और आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। वहीं एक दूसरे वीडियो में यूक्रेन ने रूसी सेना को हवाई हमले में नुकसान पहुंचाने की बात की। जारी वीडियो में बॉम्ब गिराने के बाद चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। युद्ध संकट के बीच में दुनिया भर से कई लोग शरणार्थियों की मदद के लिए यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पहुंचे। 18 दिनों से रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। ऐसे में लाखों लोग जान बचाकर पोलैंड बॉर्डर पर शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कोई खाने का इंतजाम करता दिखा तो कोई लोगों को गर्म चाय पिलाता नजर आया। एक आदमी तो घायल बच्ची के पास पिज्जा लेकर पहुंचा क्योंकि बच्ची सही से चल नहीं पा रही थी। यही नहीं, छोटे बच्चों के लिए लोगों ने कैंडी का भी इंतजाम किया और बाकायदा एक स्टॉल लगाया। इसके अलावा इंडियन फूड के पोस्टर के साथ एक ट्रक भी खड़ा दिखा जिसमें खाने पीने का सामान लाया गया था। कई लोग तो अपने हाथों से खाना तैयार करते नजर आए। एक मेडिकल टीम भी दिखी जो लोगों का इलाज कर रही थी। खबर है कि जंग के बीच अब तक करीब 25 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है और यूक्रेन के ब्रोवरे में खाने के सामान से भरे एक गोदाम में कुछ दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे दिखाई दिए। वहां एक दिन पहले ही रूस ने मिसाइलों की बारिश की जिसकी वजह से गोदाम जलकर राख हो गया। साथ ही इस हमले में सैकड़ों किलो राशन के बर्बाद होने की आशंका जताई गई। गोदाम में लगी आग को बुझाने में दमकल के लोगों का पूरा दिन लग गया। हालांकि इस कोशिश के बावजूद वहां कुछ बाकी नहीं बचा, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आई। वहां मौजूद सभी चीजें जलकर राख में तब्दील हो गईं। मिसाइल हमले की मार झेलने वाले वेयरहाउस की आग को तो बुझा लिया गया लेकिन उससे निकलते धुएं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। यूक्रेन और रूस के बीच में जो जारी युद्ध है उसका असर उत्तरी अमेरिका में भी दिखना शुरू हो गया है। वहां खाने पीने की ज्यादातर चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं जिसका सीधा मतलब है महंगाई बढ़ना। वहाँ हालात इतने खराब हो गए कि लोग अगले कई दिनों तक के लिए सामान का बंदोबस्त करने के लिए अपने अपने घर से निकल पड़े, लेकिन दुकानों पर आटे और दालों की कीमतें देखकर उनके होश उड़ गए। रूस और यूक्रेन से उत्तरी अफ्रीका में भारी मात्रा में गेहूं पहुंचता है जिस वजह से वहां आटे के दामों में उछाल देखा गया, लेकिन भूख मिटाने के लिए बढ़ी कीमतों को नजरअंदाज कर सामान खरीदना वहां के लोगों के लिए मजबूरी हो गई।